बिल्कुल, जैसे हम लोगों ने शुरू से इसके बारे में सोच थी हम लोगों की कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगा और इन्वेस्टमेंट केवल एमओयू तक ही नहीं रहेगा, वो आगे भी बढ़ेगा। तो एक बड़ी राशि जो 2.5 लाख करोड़ से ऊपर की अभी तक हमारा निवेशकों के साथ करार हो गया है और भी प्रस्ताव आए हैं, कल तक और भी करार हो जाएंगे। इसके साथ साथ हमने ग्राउंडिंग पर भी विशेष ध्यान दिया है। कल ऊर्जा सेक्टर में भी 40,000 करोड़ से अधिक के जहां निवेशकों के साथ करार हुए, वहीं ग्राउंडिंग भी हुई है। सब मिलाकर एक अच्छी ग्राउंडिंग हमारी इस समारोह से पहले हो जाएगी और इसके कारण से जहां निवेश तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उद्योग धंधे बढ़ेंगे, व्यापार बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा, लोगों की आजीविका पर भी कहीं ना कहीं निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा, वृद्धि होगी। वहीं हमारे नौजवान युवा भाइयों को अपने घर के पास रोजगार मिलेगा, उसकी हम लोग व्यवस्थित तरीके से आगे भी तैयारी कर रहे हैं कि समारोह के बाद भी जो है लोग ग्राउंडिंग और जो उद्योग इंडस्ट्री जो लगाना चाहते हैं उनके लिए राज्य सरकार पूरी तरह से हर प्रकार की जो सुविधा हो सकती है, जो आसानी हो सकती है, सिंगल विंडो सिस्टम है, उन सभी पर हम धरातल पर काम करेंगे। कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी कर रहे हैं, निवेशकों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। न्यूज इंडिया प्रोग्राम आप देखिए, चूंकि शुरुआत जब हमने करी थी तो सभी के सुझाव भी लिए थे, सभी से बात भी की थी और पूरे देश के अंदर और दुनिया के भी कुछ देशों में हम गए थे और आज धीरे धीरे सभी में जो है एक उत्साह भी है, लोगों में एक मन में इच्छा है कि उत्तराखंड में काम करना चाहते हैं लोग, हम भी उन सबका स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी एग्जीबिशन सेंटर का भी निरीक्षण करेंगे जिसमें जो मिलेट ईयर ऑफ इंडिया और राज्य सरकार ने जो केंद्र की योजनाओं पर काम किया है उसका फोकस रहेगा, साथ ही इसी स्थान से योजनाओं की ग्राउंडिंग भी दिखेगी और इस हॉल को आप लोग बहुत आकर्षक तैयार कर रहे हैं। ये हमारे लिए देखिए बहुत बड़ा अवसर है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसको देखेंगे, निश्चित रूप से देश दुनिया के अंदर हमारे उत्तराखंड का ब्रांड जाएगा, श्री अन्न जाएगा और हमारे जो उत्पाद हैं वह भी जाएंगे। और अभी 2 दिन पहले ही हमको एक दिन में 18 GI टैग हमारे 18 उत्पादों को उत्तराखंड के अंदर मिले हैं और भी हमारे इस प्रोसेस में है। निश्चित रूप से जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं अब वो देश दुनिया के अंदर अपना स्थान बना रहे हैं, उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने जो लोकल ग्लोबल की बात करी, स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहुंचाने की, उसमें उत्तराखंड के लोग, हमारी माताएं बहनें, हमारे नौजवान स्वयं सहायता समूह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके कारण से लगातार इनको अच्छा बाजार भी मिल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद और ज़्यादा इनकी प्रसिद्धि होगी और लोग इसकी मांग करेंगे। सर,